हेलो नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं टिक टॉक, जहाँ हम करते हैं आपके पसंदीदा सितारों के लाइफ से जुड़ी हर टॉक। बताते हैं आपको कौन सी खबर हो रही है वायरल और सुनाते हैं आपको आपके आसपास की दुनिया का हर हाल। तो आज की खबर है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बारे में। अब आप लोगों से कोई खबर छुपी तो है नहीं, तो पता ही होगा आपको कि ये दोनों फिलहाल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब खबरों की माने तो ये दोनों लिविंग में रहने लगे हैं। अब आजकल एक नया ट्रेंड में है, आजकल लड़के लड़की शादी से पहले एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, जिसे हम लिविंग में रहना कहते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप सभी कृति सनन और कार्तिक आर्यन की फिल्म लुका छुपी भी देख सकते हैं। तो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने अपना फ्लैट खाली किया है और इसके बाद उनको रिया के घर के आसपास स्पॉट किया जाने लगा है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि दोनों साथ में रहने लगे हैं। इतना ही नहीं, दोनों अक्सर साथ में बाहर आया जाया करते हैं, कभी शॉपिंग तो कभी हॉलीडेज पर स्पॉट हो जाया करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन के हवाले से ये दावा किया गया है कि अभिनेता के घर पर लगातार होने वाली पार्टियों से उनके पड़ोसी परेशान थे। कई बार पड़ोसी और वॉचमैन सुशांत से उनके घर पर पार्टियों से होने वाली परेशानियों के बारे में बता भी चुके थे। ऐसे में सुशांत सिंह भी पड़ोसियों के टोका टोकी से परेशान हो चुके थे। इसी वजह से सुशांत ने अपना घर छोड़ा और रिया के घर पर जाकर शिफ्ट हो गए। अब अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा जल्द ही रिलीज होगी, जबकि उनकी फिल्म ड्राइव अंतिम चरण में है। फिल्म में सुशांत सिंह के साथ जैकलिन फर्नांडिस लीड रोल में होंगी। कुछ दिन पहले ही फिल्म का गाना मखना रिलीज हुआ था। सुशांत की पिछली फिल्म छिछोरे हिट रही थी। इस फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आए थे। वहीं रिया चक्रवर्ती की बात करें तो वो अगले साल अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के साथ चेहरे में नजर आएंगे। उम्मीद है कि इन दोनों की जोड़ी रियल लाइफ से निकलकर बॉलीवुड के फिल्मों में भी जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन तब तक आप बने रहिए टिकटॉक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगी ऐसे ही बॉलीवुड के ताजा अपडेट्स के साथ। थैंक यू।